फॉर्म do, किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज की जा सकती हैं और मेन वर्ब के रूप में भी यूज की जा सकती हैं एग्जांपल से समझ लेते हैं दे आर प्लेइंग वे खेल रहे हैं इसमें कार्य हो रहा है खेलने का इसीलिए प्ले इस सेंटेंस की मेन वर्ब है और आर आर का यूज यहाँ पर टेंस को डिफाइन करने के लिए मेन वर्क के साथ किया गया है एक और एग्जाम्पल लेते हैं आई मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है इसमें फिनिश जो कि सेंटेंस की, की मेन वर्ब है उसके साथ हैव का यूज किया गया है have इस में वर्ब के रूप में यूज किया गया है और यहाँ पर बता रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है इसीलिए हैव यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है अब देखते हैं कि कैसे मेन वर्ब के रूप में यूज होती है आई हैव अ डॉग मेरे पास एक डॉग है इसमें हैव मेन वर्ब है हम देख रहे हैं कि इसके साथ किसी और वर्ब को यूज नहीं किया गया है तो इसीलिए इस सेंटेंस में हैव इस सेंटेंस की मेन वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है आई डू माई वर्क मैं अपना कार्य करता हूँ इसमें डू इस सेंटेंस की मेन वर्ब है और यहाँ पर इसके साथ किसी और वर्ब को यूज नहीं किया गया है मीन्स यहाँ पर यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं की गई है इस सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में यूज की गई है तो इस तरह से हम देखते हैं कि बी डू और हैव की फॉर्म को हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं अब जानते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं अ मॉडल वर्ब इज अ वर्ब दैट इज यूज्ड विद मेन वर्ब टू इंडिकेट मूड और टेंस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होती हैं जो कि टेंस को बताने के लिए या मूड को बताने के लिए मेन वर्ब के साथ यूज की जाती हैं कैन कुड मे माइट वेल वुड शैल शुड मस्ट और टू नीड यूज टू ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं इसमें ऑट और इनके का किया जाता है। उसके साथ कैन का यूज किया गया है कैन जो की एक मॉडल ऑक्जिलरी वर्ब है एक और एग्जाम्पल लेते हैं इट मे रेन टूडे आज बारिश हो सकती है इसमें रेन जो की यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है और मे यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर यूज की गई है मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए यहाँ पर यूज की गई है अब गाइस देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं नॉन वर्ब तीन तरह की होती हैं इनफिनेटिव जेरन एंड पार्टिसिपल तो सबसे पहले देखते हैं कि इंफिनेटिव फॉर्म क्या होती हैं एन इनफेनेटिव इज अ वर्ब फॉर्म दैट एक्ट्स एज अ नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब इट इज फॉर्म विद

जिन इन्फिनेटिव के साथ हम टू का यूज नहीं करते हैं उनको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं वो भी सेंटेंस में नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में ही यूज किए जाते हैं टू प्ले टू ईट टू राइट टू बाई इस तरह से हम इन्फिनेटिव की फॉर्म बनाते हैं एग्जाम्पल से वो समझ लेते हैं आई लाइक टू स्विम मुझे तैरना पसंद है इसमें दो वर्ब हैं लाइक एंड स्विम लाइक इस सेंटेंस की मेन वर्ब है जो की फाइनाइट वर्ब है और स्वयं यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है इसके साथ टू की फॉर्म को यूज किया गया है इसीलिए ये इन्फिनेटिव है और इस सेंटेंस में नाउन के रूप में यूज की गई है एक और एग्जाम्पल लेते हैं टू वॉक इज यूजफुल टहलना लाभदायक है इसमें टू वॉक इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है इसीलिए यहाँ पर इसका यूज नाउन के स्थान पर किया गया है और इसके साथ टू की फॉर्म को यूज किया गया है इसीलिए ये इंफिनेटिव है और नॉन फाइनाइट वर्ब है अब देखते हैं कि जीरण क्या होते हैं जीरंट इज अ वर्ड दैट इज फॉर्म्ड विद अ वर्ब बाय एडिंग आईएनजी एंड एप्स एज अ नाउन जीरण वर्ब की वो फॉर्म होती है जो कि वर्ब में आईएनजी ऐड करने से बनाई जाती है और ये किसी भी सेंटेंस में नाउन के रूप में यूज की जाती है प्लेइंग स्विमिंग डांसिंग लर्निंग इस तरह से हम जीरण फॉर्म बनाते हैं एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं आई लाइक स्विमिंग मुझे तैरना पसंद है इसमें दो वर्ब हैं लाइक एंड स्विम लाइक इस सेंटेंस की मेन वर्ब है और स्विम इस सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आई है और ऑब्जेक्ट की जगह पर हम नाउन या प्रोनाउन को यूज करते हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर एक वर्ब को यूज किया गया है उसकी जीरण फॉर्म को यूज किया गया है जो कि इस सेंटेंस में नाउन का फंक्शन कर रही है एक और एग्जांपल लेते हैं वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज वॉकिंग जो कि वर्म में आई एन जी एड करने से बना है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है और सब्जेक्ट के रूप में हम नाउन या प्रोनाउन को यूज करते हैं इसलिए वॉकिंग वर्ड यहाँ पर सब्जेक्ट में इसीलिए वॉकिंग वर्ड का यूज यहाँ पर नाउन के स्थान पर किया गया है और यहाँ पर नाउन के स्थान पर जेरंड फॉर्म को यूज किया गया है गाइस किसी भी सेंटेंस में जहां पर इंफिनेटिव नाउन के रूप में यूज हुआ है वहां पर हम उसके जेरन फॉर्म को भी यूज कर सकते हैं जिससे कि सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता है एग्जाम्पल से समझ लेते हैं वॉकिंग इज यूजफुल इसमें वॉकिंग जो कि जेरन फॉर्म है इस सब्जेक्ट में नाउन के रूप में यूज हुई है इसकी जगह हम इन्फिनेटिव को भी यूज कर सकते हैं मीन्स हम कह सकते हैं टू वॉक इज यूजफुल दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं आई लाइक स्विमिंग मुझे तैरना पसंद है इसमें स्विमिंग जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है और इस सेंटेंस में नाउन के स्थान पर यूज हुआ है इसकी जगह हम इंफेनेटिव को भी यूज कर सकते हैं मीन्स हम ये भी कह सकते हैं आई लाइक टू स्विम ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है मीन्स जब किसी सेंटेंस में इंफेनेटिव नाउन के रूप में फंक्शन करता है तो उसकी जगह हम उसकी जीरण फॉर्म को भी यूज कर सकते हैं लेकिन ऐसा हम हमेशा नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्टिव केस में हम जीरन के स्थान पर इंफिनेटिव को यूज कर सकते हैं लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ सिर्फ इन्फिनेटिव फॉर्म को ही ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है और कुछ वर्ब ऐसी होती हैं 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 जिनके साथ हम हम सिर्फ को को ही यूज यूज करते हैं। इस तरह से सब्जेक्टिव केस में हम के स्थान पर को यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में मेन वर्ब पर डिपेंड करता है कि उसके साथ जीरण फॉर्म को यूज करना है या उसके साथ इंफिनेटिव फॉर्म को यूज करना है और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ जीरण या इन्फिनेटिव में से किसी को भी यूज किया जा सकता है अब देखते हैं कि पार्टिसिपल क्या होते हैं पार्टिसिपल इज इज अ अ वर्ड दैट फ्रॉम वर्ब एंड एज अ वर्ब एडजेक्टिव और एन एडवर्ब पार्टिसिपल वो वर्ड होता है जो कि वर्ब से बनता है और किसी भी सेंटेंस में वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है तीन तरह के पार्टिसिपल होते हैं फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल सेकेंड पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल

किसी नाउन के रूप में यूज नहीं की गई है इसीलिए हम इसको चिरण नहीं कहेंगे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है एक और एग्जाम्पल लेते हैं आई सा ए बर्निंग हट मैंने एक जलती हुई झोपड़ी देखी इसमें दो वर्ब है सा और बर्न सा इस सेंटेंस की मेन वर्ब है फाइनाइट वर्ब है बर्न नॉन फाइनाइट वर्ब है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एनजी एड करके यहाँ पर बनाई गई है और इस सेंटेंस में रूप में यूज हुई है क्योंकि यहाँ पर नाउन को क्वालिफाई है नाउन से पहले यूज हुई है इसीलिए एजेक्टिव है और एब्जेक्टिव के रूप में आई एनजी फॉर्म को यूज किया गया है इसीलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है अगर नाउन के रूप में यूज किया जाता है तो जीरन फॉर्म होती है लेकिन यहाँ पर एबजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है इसीलिए प्रेजेंट पार्टिसिपेंट है एक सेकेंड पास्ट पार्टिसिपेट पास पार्टिसिपेल मीन थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब फॉर एग्जाम्पल ब्रोकेन जो कि ब्रेक की थर्ड फॉर्म है लॉस्ट जो कि लूज की थर्ड फॉर्म है वेड जो कि की थर्ड फॉर्म है ये सब पास्ट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल्स हैं से इसको समझ लेते हैं देयर इज अ ब्रोकन चेयर यहाँ पर एक टूटी हुई कुर्सी है यहाँ पर ब्रोकन एक एडजेक्टिव है क्योंकि वो नाउन से पहले यूज हुआ है और नाउन के विषय में बता रहा है और यहाँ पर थर्ड फॉर्म को यूज किया गया है इसीलिए ये पास्ट पार्टिसिपल है एक और एग्जाम्पल लेते हैं आई हैव finished माई वर्क मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है इसमें finished जो कि यूज की गई की है इसीलिए पर है, थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसका यूज गाइज हम तब करते हैं जब एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू किया जाता है फॉर एग्जाम्पल he took his food he went to school उसने अपना खाना लिया वह स्कूल चला गया इसमें हम इस सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं इसमें जो काम पहले होता है उसकी फॉर्म को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में यूज करते हैं इस सेंटेंस को परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज करके हम इस तरह से भी बना सकते हैं हैविंग टेकन फूड ही वेंट टू स्कूल इन दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग सेम है तो इस तरह से हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं जो काम पहले होता है उस वर्ब को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं जैसे कि हमने इस सेंटेंस में टुक को हैविंग टेकन में चेंज किया है तो गाइज ये था वर्ब